ब्राह्मण लिखा गया कितने, एक बार बताओ रामायण में, देखो वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, राधेश्याम रामायण है, लोमसकृत रामायण है, हम ये कह रहे हैं जितने 6 शास्त्र 18 पुराण है इनके कहीं बताओ हिंदू शब्द आया क्यों नहीं। ये कहते हैं सिंधु के जगह पर, सिंधु के जगह पर हिंदू, अरे सिंधु नदी का नाम आज तक सिंधु है तो हिंदू सिंधु नहीं, वो क्यों नहीं हिंदू हुआ बराबर से पूछो तो कहते हैं हिंदू कर देगा तो हिंदू बनाते हैं। सिंधु सिंधु आपके पंजाब में है, वो तो सिंधु नदी पंजाब में है जी भी जी, पता की चक्कर वो कहते हैं सिंधु के, सिंधु से हिंदू बना जी। अभी सिंधु नदी क्यों नहीं अभी हिंदू नदी बनी, अरे वो तो उसके पूरे चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है, कोई ब्राह्मण कह दे कि हम हिंदू हैं तो मैं मान लूं, किसी ब्राह्मण से लाओ कहवा दो, चैलेंज है बिल्कुल। ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा, वो ब्राह्मण अपने आप को चैलेंज देता हूँ चारों शंकराचार्यों को, चारों शंकराचार्य के, चारों शंकराचार्य के जो सर्वोपर है मोहन भागवत के चैलेंज है, मोहन भागवत कहा है हम हिंदू है, वो कहता हमारे पुरखे उनके पुरखे एक थे, एक थे, सबका DNA एक है, अरे अंगारा लैंड गोडवाना लैंड, ब्राह्मण पहले खुद साबित करे कभी हिंदू है। ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं है, मुगलिया कार्य मुगल औरंगजेब ने जब कर लगाया तो भाग चले कर देने के लिए, कहे हम हिंदू नहीं है, यहाँ के लोगों से लीजिए, हम विदेशी है, हम हिंदू नहीं है। और आर्य समाज का पुरोधा सरस्वती दयानंद गुजराती ब्राह्मण है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में, एक ग्रंथ लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथमाला, उसके पीछे 4 पन्ना पीछे पलटो तो उसमें उन्होंने व्याख्या किया है कि हिंदू शब्द का मतलब होता है दस्यु, डाकू, चोर, काला, लुटेरा, हारे हुए लोग जिन्हें मुगलों ने हराया, मुगलों ने जिनको हराया उन्हें हीन शब्द से हिंदुत्व बना है, जिसके अंदर हीनता आ गई उससे हिंदुत्व बना है। तो लेकिन जो भी आप ये बात बोल रहे हो तो कईयों को तो मन में ठेस लगेगी ना, मैं अगर मैं ये डाल दूंगा वीडियो तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो देखेंगे, जो खुद को जैसे आपने बताया हम कह रहे हैं कि ग्रंथमाला पढ़ लो ना, सरस्वती दयानंद ने लिखा है, ठेस नहीं लगेगी, हिंदू का पुराना जेड़ा वर्जन नाम सीगा वो सीगा ब्राह्मण, वो हिंदू शब्द का व्याख्या तो ब्राह्मण ब्राह्मण विवेकशील ब्राह्मण, लेकिन अब ये बात बहुत फैल गई है, वो खुद ही कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये बात एक प्रचलित हो गई है, कहाँ कहते हैं कहाँ कहते हैं, ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण नहीं होता है जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता है, जन्म से ब्राह्मण सभी शूद्र होते हैं, जब जनेऊ करते हैं तब नकारते हैं, आज भी अपने को ब्राह्मण मानते हैं, उनका धर्म भी ब्राह्मण, कर्म भी ब्राह्मण, सब कुछ ब्राह्मण अपने को मानते हैं, वो हिंदू कहाँ माने हैं, अपने को आर्य समाज ही बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन जो संगठन बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, जैसे आपका संगठन बना हुआ वैसे ब्राह्मण महासभा है, परशुराम हिंदू महासभा भी है, जय श्री राम के जगह पे जय परशुराम आ गए हैं, जय श्री राम का खत्म हो रहा है इस समय, जय परशुराम आ रहे हैं, फरसाल आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है ये हम इंसान हैं, इंसानियत की बुआनी चाहिए, किसान थे, किसान है, कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश भारत को बनाएंगे, कृषि संपन्न भारत बनाएंगे, सकल GDP दुनिया में सबसे आगे, हमारा विकास दर 32% अकेले था, मेरे एक सवाल है, समस्या का समाधान है, गौतम बुद्ध ने कहा था दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, मानो अपने दुख का स्वयं कारण है, स्वयं निदान है, सभी इंसान आदमियों की जात से आ जाते हैं, और जो ब्राह्मण है वो हम जाति का रोटी नहीं खाते, वो राक्षस है, जो हम जाति का रोटी नहीं खाते, हम जाति का रोटी नहीं खाते हैं, हम अन्न का रोटी, गेहूं का रोटी खाते हैं, बाजरा का, ज्वार का, चावल का, जो भी अन्न का भोजन करते हैं, जाति का नहीं, सही बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, देखो जन्म सत्य है तो मृत्यु सत्य है, जो आया हो वो जाएगा, तो फिर डरना, परोसा गया
और जबरदस्ती नहीं डलवाए वो लोग, अम्बेडकर तो अकेले थे, उस अकेले थे उस समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें धोखा मिला था गांधी से नेहरू से, वो अगर साथ खड़े हो गए होते तो ये साथ जो आप कह रहे हो नहीं हो पाता। तो आप इस ये मानते हो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी है? ए? आपके हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब वो संसद में वो ये क्या नाम है डिबेट पर पास हुआ है उस समय का संशोधन का संशोधन नहीं हो सकता है, 104 संशोधन से ज्यादा हो चुके हैं। तो जो गलत लगता है कि जब उस मुकाम पर आप जाओगे चर्चा बहस हो करके वो हो सकती बदला है। नहीं जा सकता है। और ये बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था 80-90% अगर बी आर अम्बेडकर ने अपने परसेंट से अपनी तरफ से संविधान लिखा है तो 5-10% तो ब्राह्मण ने भी अपनी मर्जी से अपनी चीजें डलवाई होंगी। वो डलवाए हैं, बंबूरी नहीं है। आप ये आंदोलन आप आंदोलन कर रहे हो तो तम बुद्धा ने कहा कि कारण हिंसा अकारण हिंसा नहीं। अच्छा अकारण हिंसा नहीं कारण पर जाए। अच्छा अगर मुझे कोई मारने आ रहा है तब क्या ये अचार डालूंगा और उसको छोड़ दिए तो हम ही कुमार डालेगा तो वहाँ जाए जाए। ठीक है, ये गौतम बुद्ध जी मानते हैं? गौतम बुद्ध ठीक है, गौतम बुद्ध ठीक है, दुनिया का वैज्ञानिक दृष्टिया। और उन्होंने वैसे अपना जो संदेश दिया था वो ये कहा था कि अहिंसा परम धर्म है ना, अहिंसा को मानने वाले वो ये कह रहे हैं 999 अंगुली और मुंड पहनने वाला सड़ागत क्यों हुआ? उंगली मार हथियार चलाए थे क्या कहीं? उसने कहा ठहर जाओ तो उसकी ओर जाने लगे तो फिर पल का रुक जाओ तो जाने लगे फिर कहा ठहर जाओ और तेजी से जाने लगे। जब पास पहुंच गए तो कहा ये कोई अजूबा है, उसको लगा सड़ागत हो। सही है जी। जाको रखा साइया मार सकने को बल न बका कर से जग भैरव 99 दुशासी को 187 पुरुष पैरों के तले रोता हुआ आगे बढ़ लेता है। सही है। 99 दुशासी को 187 पुरुषार्थी पैरों के तले रोता हुआ आगे बढ़ लेता है। हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया। सही वीर शिवाजी बहुत कोशिश किए कि भारत में शिक्षा ना दी जाए तो अंग्रेजों ने तो दे दिया कानून बनाकर 1830 में अहमदनगर में ईसाई मिशनरी खुलवा दिया है। पहले बैच के ज्योतिराव फुले, दूसरे बैच के साहू जी महाराज, तीसरे बैच के अंबेडकर और अनपढ़ महिला को माता सावित्री बाई फुले को शिक्षा का पहला द्वार किसने खोला? सावित्री बाई फुले। कीचड़ गोबर उठाते थे, ये ब्राह्मण डलवाते थे और हमारे लोग डालते थे।